हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज एक पेट्रोल पंप पे ऐसी दुर्घटना हुई है, वो भी एक सेल्समैन की वजह से ऐसी दुर्घटना हुई है कि पूरी मशीन उखड़ के नीचे गिर गई है। वो कैसे हुआ है देखिए फ्रेंड। जब एक पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए एक गाड़ी आती है, तो उस गाड़ी में पेट्रोल डल रहा होता है और सेल्समैन ने क्या किया, जैसे कि मेरे पास एक नोजल है, तो इस नोजल से गाड़ी में टैंक फिल होना है या 1000-2000 रुपये का पेट्रोल या डीजल डलना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए सेल्समैन ने क्या किया, इसको लॉक करके यूं और इसको टैंक में यूं फंसा दिया और छोड़ दिया, और थोड़ा दूर खड़ा हो गया है सेल्समैन। खड़ा होने के बाद फ्रेंड, जैसे ही टैंक फुल हो गया, तो गाड़ी वाले ने गाड़ी बढ़ा दी और सेल्समैन ने इसका नोजल भी नहीं खींचा। तो गाड़ी बढ़ जाने के कारण पूरी मशीन ही उखड़ के नीचे गिर गई है। वो अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो इस प्रकार की गलती सेल्समैन ने की है। तो फ्रेंड, जब भी आप टैंक फुल करें पेट्रोल या डीजल का, तो आपको क्या करना है कि 1000 रुपये का हो, 2000 का, 5000 का, या टैंक फुल हो रहा हो, तो आपको यह गलती नहीं करना है कि आपने नोजल को लिया और टैंक में लगाया। टैंक में लगाने के बाद आपने यूं लॉक कर दिया, पर नोजल के पास ही खड़े रहना है आपको, या नोजल को पकड़ के रखना है जब तक कि टैंक फुल नहीं हो जाता। टैंक फुल हो जाने के बाद आपको यूं लॉक को, नोजल को बंद करना है और नोजल को निकाल के वापसी मशीन पर रख देना है। तो आपकी यह गलती नहीं होगी, नोजल को आपको वापसी रख देना है। तो अभी यह गलती एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने की है, जो कि जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि मशीन भी जाके नीचे गिर गई है।